ये राजा की मज़ार के सामने बिल्कुल ही आएंगे तो ये यहाँ पे बस ये खड़ी होती हैं। ये R10 ये इसका रूट नंबर है, लेकिन हमारी आवाम ज़्यादातर बीच में चढ़ती है, उसको आइडिया नहीं है कि ये क्या है R10। तो ये रूट नंबर है, इसका किराया 10 रुपये नहीं है। लोग समझते हैं कि इसका किराया भी शायद 10 रुपये है। ये अभी यहाँ पे कोई सवारी नहीं है, हमने अभी सफ़र का आगाज़ किया है यहाँ से। जिना रोड पे ये एम्प्रेस मार्केट की तरफ ये जाएगा, द्वारा चौक कराची द सिटी ऑफ लाइट स्लाइड्स। इनका यहाँ पे ये स्टॉप है, ये देख सकते हैं, ये क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने ही ये यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ जावेद से, तो और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ नुमाइश चरंग में। जिस तरह के सबको पता है कि पीपल्स बस का स्टार्ट हो चुका है कराची में, और ये कराची की आवाम के लिए समझे एक सिंध गवर्नमेंट का तोहफा है। तो इसका ये जो रूट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये नुमाइश से सीयू तक बस जाती है। तो हम आज का पूरा रिव्यू करेंगे कि कहाँ कहाँ पर स्टॉप है इनके, और कहाँ कहाँ पर ये बस रुकती है, और उसको कितना टाइम लगता है वहाँ सीयू तक पहुँचने में। तो ये बिल्कुल कायदों की मज़ार के सामने बस खड़ी हुई है, जो जिना ग्राउंड है उसके, यहाँ से इनका स्टार्ट होता है और सीयू तक जाती है। तो आएँ अंदर चलते हैं और रिव्यू करते हैं। ये कायदों की मज़ार के सामने बिल्कुल ही आएंगे तो ये यहाँ पे बस ये खड़ी होती हैं। ये जिना ग्राउंड है, उसके बिल्कुल सामने ही ये बस इनकी खड़ी होती है यहाँ पे। और इनका ये देख सकते हैं R10 नुमाइश रेबन स्टार स्ट्रीट से सीयू तक ही जाएगी। ये देखें इसका लिखा हुआ है रूट पूरा, रीगल सदर तीन तलवार बिलावल हाउस सीयू मैकडोनल्ड तक ये जाएगी। ये R10 ये इसका रूट नंबर है, लेकिन हमारी आवाम ज़्यादातर बीच में चढ़ती है, उसको आइडिया नहीं है कि ये क्या है R10। तो ये रूट नंबर है, इसका किराया 10 रुपये नहीं है। लोग समझते हैं कि इसका किराया भी शायद 10 रुपये है, तो इसका किराया 10 रुपये नहीं है, इसका किराया 50 रुपये। आप कहीं पर भी जाएँ, यहाँ से सीयू तक जाएँ, बीच में नुमाइश पे उतरें, आगे सदर में कहीं पे भी उतरें, तीन तलवार पे उतरें, लेकिन इसका किराया 50 रुपये फिक्स है। ये इसमें आगे स्टार्ट करते हैं और आगे बैठते हैं आगे की तरफ। ये अभी यहाँ पे कोई सवारी नहीं है, हमने अभी सफ़र का आगाज़ किया है यहाँ से। और ये हम टाइम भी देखते हैं कि ये अभी 11:48 हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि आज संडे का दिन है, आज रश कम होगा, तो कम रश वाले दिन हम कितनी देर में वहाँ तक पहुँचते हैं। ये अभी आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखें कबाब जीस जिना रोड पे ये ये यहाँ से जिना रोड से ये मोबाइल मार्केट से, ये मोबाइल मार्केट वाला एरिया है यहाँ पे। लेफ्ट पे टर्न करती है, ये मोबाइल मार्केट सारी से बंद पड़ी हुई है, देख देख सकते हैं आप। ये जहांगीर पार्क देखते हैं, ये जहांगीर पार्क देखते हैं, जो रोड रोड जा रहा है ये लेफ्ट पे रेमबो सेंटर एम्प्रेस मार्केट की तरफ ये जाएगा। और इसका दूसरा आगे बर्थ रोड की तरफ, और ये हम सीधा जो जा रहे हैं आगे जैनम मार्केट की तरफ जाएंगे। ये साइड पे जैनम मार्केट से आने वाला रास्ता है यहाँ से, ये पिज़्ज़ा हट या ये द्वारा चौक इस
इसमें ये आवाम के लिए काफ़ी सहूलत है। ये 50 रुपये में आप सीधी तरफ पहुँच जाओगे, इनका किराया फिक्स है 50 रुपये, आप कहीं पर भी उतरे। ये इस R10 इस बस के आगे लिखा होता है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा कुछ डाउट हो रहा होता है कि वो समझते हैं कि इसका किराया शायद 10 रुपये है, तो बस में चढ़ जाते हैं और वो 10 रुपये भी देते हैं, लेकिन इसका किराया 10 रुपये नहीं है, 50 रुपये है, आप कहीं पर भी उतरे। ये फेरियल हॉल की तरफ रवाना है, ये फेरियल हॉल तो है, यहाँ से इसका अभी हम आगे तीन तलवार की तरफ जा रहे हैं। इसमें मेरी कोशिश ज़्यादातर यही है कि आप लोगों को पूरा इसका रूट दिखाया जाए कि ये बस कहाँ से जाती है और कहाँ तक जाती है। कराची द सिटी ऑफ लाइट स्लाइड्स, राइट पे आप देखेंगे ये बात आइलैंड की तरफ रास्ता जा रहा है, और ये आप लेफ्ट पे कैंट स्टेशन की तरफ जाएंगे और आगे से जाके राइट पे जाएंगे तो वहाँ पे पंजाब चोरंगी की तरफ। ये देखते हैं, ये रेड बटन नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से गाड़ी रुक जाएगी आपके। ये गल्फ शॉपिंग मॉल, औरंगी रोड लेफ्ट पे दो तलवार डिफेंस, ये हम पार्ट्स के नीचे से जाएंगे दो तलवार की तरफ। इसके पार्ट के अंडर पास के ऊपर वाला जो एरिया है लेफ्ट पे हम पंजाब चोरंगी और ये औरंगी की तरफ रोड जाएगा, और जो सीधे हाथ पे है ये गोल्ड मैसन और टावर माइकलाची। ये बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं ओशन मॉल, लेफ्ट पे ओशन मॉल है। ये दो तलवार सामने ही, दो तलवार आप नजर आ रही होगी, ये दो तलवार पे पहुंच गए हम। ये यहाँ से लेफ्ट पे जमजमा की तरफ हो जाता है, जुबेदास जी सामने है, और ये
आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी वेदर है। जना कॉलोनी के लिए सीधा जाना पड़ेगा अगला शाह गाजी की तरफ, आप लेफ्ट पे जाएंगे और हम ये नीचे से ये पाक टावर देख सकते हैं और हम ये सामने फेडरेशन हाउस डॉल्फिन मॉल हाइपर स्टोर सामने ये आपको नजर आ रहा है वहां पे। ये सीवी मेन चौरंगी पे हम पहुंच गए हैं, ये सीवी की तरफ यहाँ से ये डॉल्फिन मॉल हम सीवी रोड पे अभी जा रहे हैं, सीवी वाला रोड है ये। एके खान पार्क सीवी पे एके खान पार्क लाया गया है यहाँ पे। निशाने पार्क यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफी रश है ये। ये सीयू का दे सकते हैं, काफी अच्छा लुक आ रहा था यहाँ पे। बाबा पिज्जा यहाँ से ये पूरा एरिया हम कवर कर रहे हैं। ये मॉन्की फनलैंड बस वहां से आ रही है सामने की तरफ से। ये काफी सहूलत है आवाम के लिए, काफी आप नुमाइश से निकलते हैं और पूरा सीवी आप कवर कर रहे हैं। यहाँ तक जाना चाहें आप जाते हैं, ये आगे मेट्रो रोड तक इनका है।
टावर, ये यहाँ पे इनका स्टाफ है क्लॉक टावर की तरफ फुटबॉल, ये इनका स्टॉप है यहाँ पे। ये यहाँ पे इनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये क्लॉक टावर से। हाँ ये इनका ये स्टॉप यहाँ पे हो गया है। कैसा लगा इसे सफर करना, बताइए इसके बारे में। माशाल्लाह सर्विस का जवाब नहीं, ऐसी इंशाल्लाह जल्दी रहे, अब हमको ऐसी की जरूरत है। आप कहाँ से बैठे थे? मैं बैठा हूँ नुमाइश से। नुमाइश से बैठे और यहाँ नुमाइश से, यहाँ माशाल्लाह बहुत सर्विस है। जल्दी टाइम लगता है? 20-25 मिनट में पहुँच गया। ठीक है, 12:25 हो रहे हैं जबकि 12:11 तकरीबन 28 में हम लोग वहाँ से निकले थे, तो ये काफ़ी कवर हो रहा है टाइम। पहले कुछ पीछे की तरफ ये रुकती थी गाड़ी और अभी यहाँ तक क्लॉक टावर तक आती है। ये क्लॉक टावर के सामने ही आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे ये स्टॉप है, ये देख सकते हैं ये क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने ही ये यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। ये देख सकते हैं बैक साइड पे ये यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये क्लॉक टावर के बिल्कुल ही सामने का एरिया है जहाँ पे ये गाड़ी लगती हैं। इनका कहना है कि पहले कुछ और उस पीछे की तरफ था, लेकिन अभी इन्होंने और आगे का एरिया बढ़ा दिया है। इससे आगे आप थोड़ा भी आगे जाएंगे तो यहाँ पे दो दरिया भी इसके आ गई है, तो इतना दूर नहीं है, तो आराम से आप 50 रुपये में यहाँ तक पहुँच सकते हैं।